अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक दिवस के मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत संपार फाटकों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और राहगीरों को नुक्कड़ नाटकों और बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया गया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक दिवस मना रहा है। इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाता है कि वह अपने सेफ्टी का ध्यान रखें, जब लेवल क्रॉसिंग बंद हो तो उसके नीचे से ना जाएं और ना अगल बगल से जाने का प्रयास करें। ऐसा करना जानलेवा भी है और खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है तो रेलवे एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। रेलवे हमेशा से इस संबंध में लोगों को जागरूक करता रहता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, आज पूर्वोत्तर रेलवे इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मना रहा है, जिसके अंतर्गत जो रोड यूजर्स हैं उनको जागरूक किया जाता है कि वो अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखें, जब संपार बंद हो, जब लेवल क्रॉसिंग का गेट बंद हो तो उस दौरान उसके नीचे से ना जाएं, अगल बगल से जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा भी है, खतरनाक भी है। और साथ ही साथ ऐसा अगर करते हुए कोई पाया जाता है या पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई है, कानूनन कार्रवाई, वो भी की जा सकती है। तो इस संबंध में चूँकि रेलवे हमेशा से रेलवे का लक्ष्य रहा है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसा करना खतरनाक है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। जब इस समय कोविड का दौर भी चल रहा है तो भी लगातार हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे में इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे के दिन भी हम लोग पोस्टर बैनर के माध्यम से लेवल क्रॉसिंग्स पे जा जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को लीफलेट्स और ये सारी चीज़ें बांट रहे हैं। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो आसपास के गांव की जनता है उनको भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस दौरान कोविड के सभी जो प्रावधान हैं उनका पालन भी किया जा रहा है। जो हमारे लोग हैं जो लेवल क्रॉसिंग पे जा रहे हैं वो लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क लगाए हुए हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ पिछले काफ़ी समय से रेलवे लेवल क्रॉसिंग पे होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस क्रम में सबसे पहले तो अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स को बड़ी लाइन से पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उसके बाद अगला जो लक्ष्य है वो जो संपार फाटक हैं मैंड वाले, उनको भी बंद करने का लक्ष्य है, और उस दिशा में भी रेलवे लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष LHS बनाकर, लिमिटेड हाइट सबवे जिसको अंडरपास कहते हैं, ROB बनाकर हम लोग मैन लेवल क्रॉसिंग को भी क्लोज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लेवल क्रॉसिंग ऐसे हैं जिनमें TVU जो है, टोटल व्हीकल यूनिट 50,000 से ज़्यादा है, उनका इंटरलॉकिंग भी किया जा रहा है, किया जा चुका है लगभग जो 50,000 से ज़्यादा है। अभी जो 20,000 से ज़्यादा TVU वाले गेट हैं उनके इंटरलॉकिंग का कार्य प्रगति पर है। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि उन गेटों को सिग्नल से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, सिग्नल लगा दिया जाता है, जिससे उसकी सेफ्टी और ज़्यादा इंश्योर हो जाती है। इनकेस अगर गेट खुला रह गया है तो सिग्नल रेड रहेगा तो गाड़ी पहले ही आकर रुक जाएगी। तो लगातार रेलवे इस दिशा में संरक्षा और सुरक्षा की दिशा में कार्य कर रही है, और पहले भी रेलवे की यह टॉप प्रायोरिटी रही है और आगे भी रहेगी।